शॉर्ट रन था 86 इस मैच के मैन ऑफ द मैच जाता है राहुल सर, जो कि 50 हाफ सेंचुरी मारे थे लास्ट मैच में। और अगला मैच है एसएसएफ चैंपियन वर्सेस हॉर्स स्ट्राइकर, दोनों विनिंग टीम है लास्ट मैच की, देखते हैं कौन हारेगी ये मैच में और कौन जीतेगी। हॉर्स स्ट्राइकर बैक टू बैक तीन मैच जीत चुके हैं। तीन मैच हुआ ना अपना, अपना चार हुआ, दो हारे दो जीते। हर्ष स्ट्राइकर्स तो वापस खेलेंगे सेमीफाइनल के सबको लेके आने मानव मैं थोड़ा लेट किसी को कमेंट करने की इच्छा तो बिल्कुल कर सकते हो। अरे आखिरी बोल भी दिखे ऐसा नहीं है, वो पहले से बन चुका है। जो नंबर ऑफ मैचेस टीम के ज्यादा ऊपर रहेगा वो 1-2-3 को ऐसा है, वन और टू का लगेगा मैच। दूसरी जो चीज है वो आगे आ जाके बैठ गया था, ठीक है। दूसरा हारा हुआ वो रुका हुआ, ठीक है। तीसरा चौथा मैच के लिए चेक करो
क्या भाई क्या अरे नहीं दिखेगा बोलो तो भाई तुमने नॉट कैसे दिया आउट है मैं देख रहा हूँ दिखाओ ना रिव्यू तुम कैसे देख रहे हो दिखाओ तो रिव्यू नहीं दिख रहा है वो तो फिर तुम नॉट आउट कैसे दिया तुमने आउट है मैं देखा है आउट है वो रिव्यू करो प्ले अरे आज थर्ड अंपायर का बंद रखा है कि नहीं एंगल नहीं इतना बड़ा रहेगा ना ऐसा थोड़ी एंगल की बात नहीं लाइव बात है यार अरे पर रिकॉर्ड तो हो रहा है ना यार रिकॉर्ड मैच खत्म होने के बाद देखेगा वो पहले कैसे देखेगा अभी ये लाइव नहीं चल रहा है क्या उनको मैं पहले ही बोला था कुछ देख सकते हैं ना क्या लाइव नहीं रिकॉर्ड नहीं पहले मैं बात किया था घर के लिए इसके लिए मैं रिकॉर्ड करके रख रहा लेकिन वो मैच से पहले से स्ट्राइक पे अक्षर और सूरज स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है बट देखते हैं
अच्छी फील्डिंग महावीर का, वापस से गेंद उसकी तरफ जाते हुए, स्कोर है 39 पे 2 विकेट 2 ओवर 5 गेंदे। दिखा 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 क्या 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 था दिखा इसको भी दिखा ये हाथ जोड़ दिया, ये वाला हाथ जोड़ दिया, ये वाला इधर हाथ जोड़। स्कोर कार्ड है 49 तीन ओवर 1 गेंदे, और यहाँ पे बॉलर सुजीत सर एसएसएफ, और बेहतरीन कैच लेते हुए दयानंद बैट्समैन पे बिल्कुल रहम दया नहीं दिखाते हुए, अच्छी फील्डिंग। तू चाहता कि मैं माइक पे बोलूं तेरे लिए? भावेश, अगला बैट्समैन भावेश द स्पॉन्सर मैन, और यहाँ पे गेंद को छोड़ते हुए बैट का ग्रिप पकड़ना काफी कैजुअल है, लेकिन देखते कुछ कर पाते कि नहीं। ओहो, अपने पीटी को बोल्ड करते हुए सुजीत सर का आके देख क्या स्कोर है, स्कोर है 50 पे 4 विकेट। अगला बैट्समैन प्रणय, जो कि पहले हेल्दी हुआ करता था लेकिन वो उसने वेट लॉस करके पतला हो गया। ओ, बल्लेबाजी में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। नेक्स्ट बैट्समैन रोहिता मात्रे, एडवोकेट रोहिता मात्रे स्ट्राइक पे, देखते कुछ अपनी लौ लगा पाते कि नहीं क्रिकेट में। आइए क्रिकेट में फुटबॉल का गेम दिखाते हुए रोहिता सिस्टर, बैट कम पैर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे बैट हवा में था, छोटू ने दीदी को रन आउट करा दिया, इसका बदला जिम में लिया जाएगा जरूर। मैं कीपर चेंज, नेक्स्ट बॉलर है सानिया द मिर्जा, मिर्जा नहीं है ना, पाटिल है ना, दुबे, ओ सानिया दुबे। अच्छा तो लूज बॉल पे जोर से मारते हुए, लेकिन लेकिन आनंद रन लेने को रेडी नहीं है, बिकॉज लास्ट ओवर है, बिकॉज ऑफ लास्ट ओवर। आनंद सूरज चाहते हैं कि ये ओवर वही खेले, और यहाँ पे ईश्वर, ईश्वर ने अच्छी फील्डिंग दिखाते हुए अपने टीम के लिए ईश्वर बनते हुए, और यहाँ पे वड़ा पाव का थैला दिख रहा है। ओ सॉरी, भाई हो गया ना, मॉन स्ट्राइकर पे है तेजस उर्फ छोटू, और प्रणय ने ग्राउंड शॉट लेते हुए एक रन, स्ट्राइक पे छोटू द तेजस, देखते हैं क्या कर पाते हैं। नहीं नहीं, पिछले मैच में
चार ओवर चार गेंदे 53 पे 6 और यहां पे प्रणय ने अपनी बाजुएं खोलती हुई शॉट मारा है 6 लास्ट अंतिम गेंदे शेष बची है लास्ट बॉल अंपायर कृपया मैच में ध्यान दे वड़ा पाव पे कम ध्यान दे हमारे अंपायर आर एस लिप्टर के कैप्टन है चार हार के बाद सदमा में चले गए हैं इसलिए उनको पता नहीं और यहां पे मिस फील्ड होते हुए आशीष से चार रन की तरफ क्या ये चार रन महंगा पड़ सकता है स्कोर कार्ड है 63-64 टू विन आर एस लिप्टर के कैप्टन राज सिंह बैक टू बैक चार मैच हार गए थे जो कि मैंने प्रिडिक्शन जिम में कर दिया था सबसे वीकेस्ट टीम है आर एस ये वही टीम है जिसके खिलाफ अजिंक्य इनविजिबल ने हाईएस्ट स्कोर 146 देना भाई लेना जाओ रख ले भाई अपना वड़ा पाव रख ले 64 तुम्हारे ओवर में सानिया थाम 12 रन ए भाई वड़ा पाव ले आयुष ए आयुष वड़ा पाव भाई देना मेरे को भी क्या हो आ रहा भाई रुक जा मेरे को पता नहीं दे ये बड़ा पाव हमारे स्पॉन्सर सीए मनी चैनल की तरफ से बोलो भाई सीए नहीं मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मनीष डायमा सर को जिन्होंने वड़ा पाव स्पॉन्सर किया है काफी एनर्जेटिक फूड है आप लोग भी खाइए और सबको खिलाइए प्रणय सर क्या लाइव है ना एक ओवर 9 रन एसएसएफ चैंपियन के क्या वो रन चेस कर पाएंगे 10 मिनट में पता चली जाएगा और यहां दीपिका अच्छी फील्डिंग बहुत गुस्से में लग रहे हैं नाइस बहुत ही बढ़िया कीपिंग करते हुए हमारे स्पॉन्सर भावेश पहले वड़ा पाव चलेगा रे
से जाया वो तेरा हो गया रे अरे प्रणय सर बढ़िया बहुत बढ़िया और यहाँ पे दयानंद रनआउट होते हुए उन पे बिल्कुल दया नहीं किया गया, बहुत ही गुस्से में दिख रहे दयानंद, निराशजनक। अब दरवाजा तोड़ के बाहर गए, ओए दया दरवाजा तोड़ के बाहर आ गए, एक ही मिलेगा। हाँ दया दरवाजा तोड़ के बाहर गए, और दया ने दरवाजा तोड़ के बिल्कुल दया नहीं दिखाते हुए पवेलियन की तरफ। अरे दे तो रहा था विकास, और यहाँ पे दर्शक और सारा क्लीन बोल्ड सुजीत सर के आइकन प्लेयर मिनी आइकन क्लीन बोल्ड होते हुए तीनों डंडी बाहर, और बॉलर है अक्सर जो कि मैन ऑफ द मैच बनने की जिद पकड़े हुए हैं, बैक टू बैक बॉल होते हुए एसएसएफ चैंपियन की टीम धराशायी होते हुए नॉन स्ट्राइक पे बरकरार है लास्ट प्लेयर के हीरो प्रीतेश। और इन गंभीर मैचों के बीचों बीच में दर्शक वड़ा पाव को लुफ्त उठाते हुए काफी एंजॉय कर रहे हैं, जंपिंग को पता नहीं है कितनी डेंजर होती है। तीखा लग रहा है ना, पानी का व्यवस्था किया जाए कमेंटेटर। अच्छा पर्सनल पानी है लेकिन दे मत किसी को। और रोहिता की बहुत ही शानदार फील्डिंग, रोहिता के द्वारा शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, एक्सपेक्ट भी मत करना भोजड़ी। ओ सुजीत सर रनआउट हुआ क्या, बोल्ड वर्ल्ड। ओ हो छी 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 छी, डंडा बाहर क्लीन बोल्ड होते हुए हमारे एसएसएफ चैंपियन के कैप्टन एसएसएफ जिम के ट्रेनर क्लीन बोल्ड हो चुके हैं और गेट के पास वड़ा पाव खा रहे हैं। जो वही गेट है जिसने वो तो दोबारा खा रही है। श्वेता श्वेता सब दो दो खा रहे हैं भाई, मेरे को भी अच्छा है एक देना भाई। विकास बच रहा है तो भाई दे दे, बच रहा है। स्कोर है 25 रन पे 4 विकेट आ रहा हूं मैं। तीन ओवर 25 रन 4 विकेट, दो ओवर शेष है और रन है 39 चाहिए 12 गेंदों में। और यार अलर्ट होते हुए बट ना करने की डिसीजन आ रही है।
ही शानदार फील्डिंग सूरज के द्वारा। और यहाँ पे सानिया गुड वन, सही है भावे, सही है, कहाँ चलेगा, नॉट आउट है, नॉट आउट है। कीपर से मिस फील्ड होते हुए रन आउट नहीं हो पाए, खराब फील्ड, ओहो रन आउट से बच गए, लेकिन बोल्ड से कैसे बचोगे। विकेट 5 विकेट 29 रन 4 ओवर। और यहाँ पे सुजीत सर का द लकी चार्म आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आओ सनम जाओ सनम का गेम रखे हुए, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अगला प्लेयर ईश्वर, क्या ईश्वर अगला प्लेयर उतर चुके हैं, लेकिन एसएसएफ चैंपियन को ईश्वर भी नहीं बचा सकते। एसएसएफ चैंपियन की टीम धराशायी हो चुकी है, अब उनको इस मैच से बचा पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। प्रीतेश जो कि एसएसएफ चैंपियन के वन मैन आर्मी बने हुए हैं, सिक्स 4 गेंद में 29 रन चाहिए, यहां से नामुमकिन लग रहा है इफ अगर रोहिता ने नो बॉल नहीं डाला तो। रोहिता की अच्छी गेंदबाजी के वजह से यह मैच उनके झोली में दिख रहा है, लेकिन प्रीतेश भी हार मानने को रेडी नहीं है और चाबुक सा शॉट मारते हुए 6 ये भी। और 2 गेंद शेष बचे हैं, 2 गेंदे 12 रन, क्या यहाँ पे अगे शायद से ये डेड बॉल हो सकता है। पानी इधर भी दीजिए, डेड बॉल दिया गया अंपायर के द्वारा। वड़ा पाव खत्म हो गया अचानक से हाथ में आ गया, मजाक मजाक। और यहाँ पे शायद ये नो बॉल है, ये नो बॉल ही है। 2 गेंद 16 रन चाहिए और यहाँ पे चौका 1 गेंद 12 रन। अगर रोहिता ने नो बॉल नहीं डाला तो ये मैच हर्ष साइकर जीत चुकी है, अनडिफेटेबल टीम, एक मैच भी नहीं हारी है। क्या उनका ये घमंड ले, क्लीन बॉल, जहां तक मेरे को लगता है एसएसएफ चैंपियन के सारे प्लेयर क्लीन बॉल हो चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूं।